पुलिस की टीम ने युवती बनकर 2.5 साल तक प्रेम जाल में फंसाकर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कमिश्नरेट पश्चिम की डीसीपी प्रीति चंद्रा के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड थाने की पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है। ये मामला हर किसी के लिए सबक हो सकता है, क्योंकि जिस युवक को गिरफ्तार किया गया वो युवक एक साथ कई किरदारों की आवाज बनाकर धोखा देता रहा। कहने वाले यूं नहीं कहते कि आज के जमाने में सोशल मीडिया पर एकदम से भरोसा ना करें, और खास तौर पर सोशल मीडिया पर मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले पर तो हरगिज भरोसा ना करें। जोधपुर के शोभावातों के ठाणी इलाके में रहने वाले रवि इनानिया ने संजना नाम की एक युवती से फेसबुक मैसेंजर पर बात क्या कर ली। ये मोहब्बत उसे 2.5 साल तक एक अजीब सी दुनिया में ले गई, जहाँ रवि न केवल प्यार में अंधा हो गया बल्कि संजना के कहने पर उसके भाई सिद्धार्थ को लाखों रुपए की मदद भी करती। बाबू आप कहाँ पे हो? बाबू मेरे से प्लीज एक बार बात कर लो, कॉल करके मेरा नंबर अनब्लॉक कर दो। बाबू प्लीज एक बार बात कर लो, बाबू प्लीज, बाबू आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बाबू प्लीज एक बार बात कर लो, मेरे से फोन पे बात कर लो। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जब रवि को ये पता लगा कि सिद्धार्थ ही खुद संजना है तो सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी। प्रेम का बुखार तो उतर गया, मगर खुमार देखिए कि रवि अभी भी संजना का इंतजार कर रहा है। रवि को जिस तरीके से संजना ने फोटो भेजे और प्रेम की गहराई तक ले जाकर बातें की, उसके बाद रवि अभी भी संजना के प्रेम से बाहर नहीं आ पाया है। संजना कोई और नहीं, खुद सिद्धार्थ है। जब सिद्धार्थ ने ये बात कबूल कर ली तब भी रवि को विश्वास नहीं हुआ। अब रवि जरूर कह रहा है कि किसी को भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर बात करने वाली किसी भी महिला पर एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी पहचान की जांच परख कर लेनी चाहिए। मेरे पास 12 जुलाई 2017 को संजना गोदारा के नाम से एक मैसेज आया, जिसका 10 दिन बाद मैंने हाय से रिप्लाई किया और मेरी बातचीत उससे होती गई और वो मेरी दोस्त बनी। उसने अपने भाई सिद्धार्थ पटेल गांव भंवर तालाब जिला हरदा को मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने भेजा 7 सितंबर 2017 को। वो मुझसे मिलता रहा सितंबर अक्टूबर नवंबर में, और संजना मुझसे ये कहती थी कि मेरे पापा की मंगल ग्रह की शांति के लिए आप 10,000 रुपये सिद्धार्थ के खाते में डालो। मैंने इसके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये डाले, जिसकी बैंक की पर्ची मेरे पास में है। उसके बाद सिद्धार्थ ने मुझे कहा कि मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, आप मुझे 50,000 रुपये डालिए। तब मैंने 50,000 रुपये इसके बैंक में डाले, उसकी बैंक की स्लिप भी मेरे पास में है। हमारा असली नाम है सुबैदा शोएब अख्तरन। कहानी में हालात कुछ कुछ फिल्म ड्रीम गर्ल जैसे दिखते हैं, जहाँ आयुष्मान खुराना फिल्म में एक ऐसा ही किरदार निभाते हैं और लड़की बनकर मंचलों से फोन पर बात कर उनका मनोरंजन करते हैं। 6 दिसंबर को जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाने में दर्ज हुए इस मामले में डीसीपी पीसी चंद्रा की लगातार मॉनिटरिंग का ही नतीजा है कि हाउसिंग बोर्ड थाना प्रभारी आनंद सिंह राजपुरोहित और उनकी टीम ने मामले का 10 दिनों में पर्दाफाश कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी सिद्धार्थ पटेल एमपी का रहने वाला है और आईएएस का एग्जाम भी दे चुका है। अब मामला सामने आने के बाद पुलिस लोगों को सोशल मीडिया में दोस्ती को लेकर आगाह कर रही है। रवि इनानिया प्रार्थी के रूप में, जो कि हमारे थाना क्षेत्र में स्वभावतः पिंडाणी में निवास करता है, उसने एक प्रकरण 9 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराया। उसने 9 अभियुक्त मानते हुए दर्ज कराया और उसमें उसने ठगी के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया। वो कंटिन्यू कॉल भी कर रहा है, मैसेज भी कर रहा है, और उसके बाद उसने उस पर इतना फेथ दिखाया कि उसे बिना मिले उसको अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा है और उसकी बात पे भरोसा कर रहा है। तो जो अच्छा खासी धोखाधड़ी और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है मेरे हिसाब से। आरोपी सिद्धार्थ पटेल अब कैमरे के सामने मुंह छिपा रहा है और कानून की दुहाई दे रहा है कि उसकी कोई तस्वीर नहीं खींच सकता, लेकिन जिस तरह की हरकत उसने की है वो अपराध है। और जोधपुर से